हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो तो गाइस आज हम कंपेयर करने वाले हैं वन प्लस नोट थ्री फाइव जी और नथिंग फोन टू को क्योंकि वन प्लस नोट थ्री फाइव जी जो है वो हमें काफ़ी कम प्राइस के अंदर देखने को मिल रहा है नथिंग फोन टू के कंपेयर में लेकिन यहां पर जो स्पेक्स हैं उनके अंदर काम कामें इतना बड़ा चेंज देखने को नहीं मिलता इवन कुछ चीज़ों के अंदर हमें जो वन प्लस है वो वन प्लस नोट थ्री फाइव जी जो है हमें वो नथिंग फोन टू से काफ़ी अच्छी प्रोवाइड कर देता है तो आज की वीडियो के अंदर हम दोनों को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर दोनों से दोनों में से बेटर डील हमारे लिए कौन सी है तो आपने वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है वीडियो कहीं से भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है तो बगैर किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहां पर सबसे पहले अगर हम दोनों स्मार्टफोन के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो डिजाइन दोनों स्मार्टफोन के नो डाउट काफी ज्यादा खूबसूरत और काफी ज्यादा प्यारे हैं नथिंग फोन निकोटू अपने फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के लिए जाना जाता है जो उसकी ट्रांसपेरेंट बैक है यहाँ पर हमें बैक साइड के ऊपर ग्लास देखने को मिलता है काफी ज्यादा हमें यहाँ पर खूबसूरत डिजाइन देखने को मिलता है ग्लिफ लाइटिंग देखने को मिल जाती है वैसे ग्लिफ लाइटिंग इतनी ज्यादा यूजफुल नहीं है वो बस यश के दिखाने के लिए है लेकिन यहाँ पर अगर हम वन प्लस नोट थ्री फाइव की बात करें तो उसका डिजाइन यहां पर काफी ज्यादा मिनिमल का और काफी ज्यादा प्यारा डिजाइन है यहाँ पर हमें काफ़ी खूबसूरत और काफी स्लिम स्मार्टफ़ोन देखने को मिल जाता है यहाँ पर जो वन प्लस नोट थ्री है वहाँ पर आपको बैक साइड के ऊपर ग्लास देखने को मिलता है राउंड एजेस देखने को मिल जाती है यहाँ पर आपको राउंड के अंदर देखने को मिल जाता है जबकि यहाँ पर जो नथिंग फोन टू है वो हमें यहाँ पर बॉक्सी फ्रेम के अंदर देखने को मिलता है जो वन प्लस नोट थ्री है वो हमें यहाँ पर ज़्यादा कंफर्टेबल डिजाइन प्रोवाइड करता है और यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन यहाँ पर हमें दोनों स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाता है फिजिकल और में दोनों स्मार्टफोन स्टीरियो स्पीकर के साथ आते हैं दोनों स्मार्टफोन के अंदर हमें कोई भी हेडफोन जैक और मेमोरी कार्ड स्लॉट देखने को नहीं मिलती दोनों स्मार्टफोन यहाँ पर हमें टाइप सिक्स की इंटरफेस प्रोवाइड कर देते हैं तो यहां पर हमें दोनों स्मार्टफोन के अंदर फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है दोनों स्मार्टफोन के अंदर हमें यहाँ पर इन डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है फ्रंट के ऊपर पंच होल देखने को मिल जाता है यहाँ पर अगर हम दोनों दोन स्मार्टफोन के फ्रंट डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर वन के अंदर आपको सिक्स पॉइंट का एक सुपर एमुलेट पैनल देखने को मिलता है साथ में यहाँ पर आपको वन ट्वेंटी हर्ट्स का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है एच डी प्लस का स्पोर्ट देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे कलर्स देखने को मिल जाते हैं काफ़ी यहाँ पर ये ब्राइट डिस्प्ले है और आप यहाँ पर जो डिस्प्ले वाई साइड से आप जो भी चीजें एक्सपर्ट स्टार्ट करते हैं वो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलने वाली है यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा कॉन्टेंट एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा पंच होल है तो यहाँ पर जो काफ़ी मॉडर्न लुक आपको ये प्रोवाइड कर देता है यहाँ पर अगर नथिंग की बात करें तो 6.7 पॉइंट का एक एमलेट पैनल देखने को मिलता है सिक्स पॉइंट सेवन इंचज का एक ओलेट पैनल देखने को मिलता है जो कि वन ट्वेंटी हर्ड के रिफ्रिजरेट के साथ आता है आई डॉ टेन प्लस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है वन ट्वेंटी हर्स के रिफ्रिजरेट देखने को मिल जाता है फोर्टीन हंड्रेड एड्स की यहाँ पर आपको पिक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है तो ओवरऑल दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले काफी ज़्यादा अच्छे हैं नथिंग के अंदर आपको कॉर्निंग गुरीला ग्लास की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है तो यहाँ पर यह नथिंग के अंदर आपको एक अपर हैंड है यहाँ पर आपको काफी अच्छा डिस्प्ले दोनों स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलता है और डिस्प्ले साइड से दोनों स्मार्टफोन यहाँ पर नेक टू नेक है यहाँ पर डिस्प्ले डिस्पेले साइड से कोई एक विनर नहीं है दोनों स्मार्टफोन के अंदर काफी अच्छा डिस्प्ले हमें प्रोवाइड किया गया है नथिंग के अंदर भी पर आपको सेंटर पंच पॉइंटोल देखने को मिल जाता है यहां पर अगर की बात करें तो यहां पर उसके देखने को मिल जाता है। के आपको देखने को मिलता है स्नैप ड्रैगन एट प्लस जेन वन साथ में यहाँ पर आपको एट जी बी की एल पी डी आर फाइव रैम देखने को मिल जाएगी साथ में इसका जो बेस वेरियट है आपको स्टोरी टाइप <laughs> देखने को मिल जाती है इस स्मार्टफोन के अंदर आपको एंड्रॉड थर्टीन के साथ नथिंग ओ एस टू पॉइंट ओ देखने को मिलता है जिसके अंदर यहां पर काफी अच्छी फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं क्लीन एंड्रॉड है यहां पर आपको कोई एक्स्ट्रा ऐप देखने को नहीं मिलती यहां पर कोई ब्लॉटवेयर आपको इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलते वहीं पर अगर हम वन प्लस की बात करें तो वहां पर आपको देखने को मिलता है इमीडियडेमेंसटी नाइन थाउजेंड मीडियट एक्टेसिटी नाइन थाउजेंड में यहाँ पर काफी अच्छा प्रोसेसर है काफी ज्यादा एफिशिएंट और काफी ज्यादा जो है हमें अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देता है प्राइस गैप को देखा जाए तो यहां पर परफॉर्मेंस के अंदर कोई इतना बड़ा यहाँ पर डिफरेंस नहीं है नथिंग के अंदर परफॉर्मेंस आपको अच्छी देखने को मिलती है लेकिन जो प्राइस गैप है उसके हिसाब से यहाँ पर इतना बड़ा गैप आपको देखने को नहीं मिलता वन के अंदर भी यहाँ पर आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है यहां पर मीडिये एमेंसिटी नाइन के साथ साथ आपको एट जी बी की एल बी डी आर फाइव फाइव एक्स रैम देखने को मिल जाएगी वन टू एट जी की जी बी की यू एफ एस थ्री पॉइंट वन की स्टोरेज एप देखने को मिल जाएगी एंड्रॉड थर्टीन के साथ ऑक्सीजन वेस देखने को मिलेगा अब ऑक्सीजन वैस पहले से काफी ज्यादा चेंज हो जाएगा यहाँ पर आपको ब्लॉटवेयर भी देखने को मिल जाते हैं जो इसका वन ट्वेंटी इयर है वो इतनी अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं है तो यहाँ पर ऑक्सीजन वेज के अंदर जो है यहाँ पर वन प्लस को काम करने की जरूरत है सीरियस होकर और यहाँ पर जो है आपको काफी अच्छा इतना एक्सपीरियंस पहले जैसा भी देखने को नहीं मिलता तो जो सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है उसके अंदर जो नथिंग है वो हमें यहाँ पर विजेता देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर बाकी परफॉर्मेंस पार्ट है वो दोनों ही कहीं इतना ज़्यादा जो है डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको पब्जी सिक्सटी एपी के ऊपर देखने को मिल जाएगी तो यहाँ पर कॉल ऑफ ड्यूटी बाकी जितनी गेमिंग है वो यहाँ पर आप का, का, काफी अच्छी तरीके से दोनों स्मार्टफोन के ऊपर जो है वो कर सकते हैं कैमरा सेटअप की बात की जाए तो यहाँ पर नथिंग फोटो के अंदर आपको बैक साइड के ऊपर डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है फिफ्ट फिफ्टी मेगा के दो सेंसर देखने को मिल जाते हैं एक मेन सेंसर है एक अल्ट्रा अल्ट्राइड सेंसर है और यहाँ पर आपको थर्टी टू की सेल्फी देखने को मिल जाती है बैक साइड के ऊपर आपको फोर के थर्टी एपी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है फ्रंट के ऊपर आप जो है यहाँ पर टेन एट बी थर्टी इसके ऊपर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं यहाँ पर कैमरास पिछले साल से इंप्रू, इंप्रूव हैं, लेकिन जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है वो इतना ज्यादा इंप्रूव नहीं है और नथिंग यहाँ पर जो है टेलीफोटो लेंस प्राइज इनके हिसाब से जो है देना चाहिए था जो कि यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता वहीं पर अगर हम वन प्लस की बात करें तो इसके अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिलता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल देखने को मिलता है और 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर जो है आपको मैक्रो सेंसर देखने को मिल जाता है फ्रंट के ऊपर आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है वन प्लस के अंदर भी जो है आप बैक साइड के ऊपर फोर के थर्टी एप के ऊपर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और फ्रंट के ऊपर आपको टेन एटी थर्टी एप का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा दोनों ही स्मार्टफोन के कैमराज जो है वो अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से एवरेज हैं यहाँ पर कोई इतना एक्स्ट्रा ऑनडर कैमरा दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर देखने को नहीं मिलता अगर आपको कैमरा फोन खरीद रहे हैं तो ये दोनों स्मार्टफोन कैमराज को टारगेट नहीं करते यहाँ पर आपको भी अच्छे ऑप्शन है वो के अंदर देखने को मिल जाते हैं यहां पर अगर हम बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो यहां पर नथिंग के अंदर आपको देखने को मिलती है की की बैटरी साथ में यहां पर फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है जो कि आपके स्मार्टफोन को यहां पर अराउंड मिनट के अंदर फुल चार्ज कर देगी और यहां पर नथिंग के अंदर आपको कोई भी चार्जिंग अडाप्टर देखने को नहीं मिलता वो आपको आफ्टर मार्केट ही बाय करना पड़ेगा यहां पर उसकी कॉस्ट भी यहां पर एड हो जाती है यहां पर अगर हम वन प्लस की बात करें तो उसके अंदर आपको फोर्टी सेवन हंड्रेड एमएच की बैटरी देखने को मिलती है साथ में यहां पर आपको हंड्रेड वार्ट की सुपर वूक चार्जिंग देखने को मिल जाती है और बॉक्स के अंदर आपको हंड्रेड तो वाट का चार्जर जो है वो देखने को मिल जाता है जो कि आपके स्मार्टफोन को अराउंड आधे घंटे के अंदर फुल चार्ज कर देगा और यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है यहाँ पर एक वन प्लस के अंदर आपको और एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिलता है वो है डॉल्बी एटमॉस जो वन प्लस के स्पीकर के अंदर आपको देखने को मिलता है जिससे आपकी जो यहाँ पर साउंड क्वालिटी है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है ओवरऑल दोनों ही स्मार्टफोन यहाँ पर काफी अच्छी फीचर्स प्रोवाइड करते हैं वन प्लस के अंदर यहाँ पर आपको अलाइट स्लाइडर देखने को मिलता है तो वहीं पर नथिंग के अंदर आपको ग्लिफ राइटिंग देखने को मिलता जाती है दोनों स्मार्टफोन के यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छे हैं दोनों स्मार्टफोन के अगर प्राइस डिफरेंस की बात की जाए तो अराउंड यहाँ पर टेन टू ट्वेंटी टेन थाउजेंड का जो है यहाँ पर प्राइस देखने डिफरेंस देखने को मिलता है तो उस हिसाब से यहाँ पर जो वन प्लस है वो यहाँ पर काफी अच्छी हमें स्पेस प्रोवाइड कर रहा है अगर आपका बजट कम है तो आप वन प्लस की तरफ डेफिनेटली जा सकते हैं अगर आपने यहाँ पर कोई नया एक्सपीरियंस करना है तो आप नतेंगे को खरीद सकते हैं बाकी आप आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो देखिए हाफिज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग